गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशी सुमान, आप देख रहे हैं पीसीएस अकेडमी पटना। हम लोग बीपीएससी 70 पीटी के लिए घटनासार सीरीज चालू किए हुए हैं। ये टारगेट बैच है, इसमें फटाफट करंट अफेयर हम लोग निकाल देंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट वन निकल चुका है, राष्ट्रीय परिदृश्य का ये पार्ट टू है, इसको तुरंत आज खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में पहुँच जाएंगे, ठीक है। यह जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर को कवर करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन तक पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। तो ये जो रिपोर्ट आया है, तेंदुआ रिपोर्ट आया है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है वो आपका स्टेटस ऑफ लियोपोर्ड्स इन इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, और ये रिपोर्ट बताता है कि 2018 की तुलना में 2022 में तेंदुआ का क्या स्थिति है, उसका संख्या का क्या स्थिति है। तो ये रिपोर्ट बताता है कि भारत में वर्तमान में 13,874 तेंदुआ है। कितना? 13,874 तेंदुआ आकलित किया गया है। ये सब परीक्षा में डेटा पूछ देता है, और ये तेंदुआ रिपोर्ट, चीता रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट जब आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये सब होता है ना, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13,874 आकलित किया गया है, इसको आप नज़र में रखिएगा हमेशा के लिए। और परसेंट में देखा जाए तो 7.95% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है, तेंदुआ का रिपोर्ट बता रहा है। अगर भारत में देखा जाए कि तेंदुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया गया है कि भारत में मध्य भारत व पूर्वी घाट में तेंदुआ पाया जाता है, दूसरा देखिए पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तीसरा शिवालिक पहाड़ियाँ व गंगा के मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान बिहार का जो क्षेत्र है इसी रेंज में आएगा, याद रखिएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ व गंगा का मैदान और पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र, इतना एरिया में तेंदुआ बहुयात पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो भारत में नंबर वन पर, नंबर वन यानी पहला नंबर पर मध्य प्रदेश है तेंदुआ के मामले में। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य तेंदुआ के मामले पर प्रथम स्थान रखता है, तो मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक रहता है। जहाँ तक बिहार का बात है तो बिहार में तेंदुआ का संख्या कम हुआ है। ऐसे बिहार में तेंदुआ का संख्या देखा जाए तो बिहार में कुल 86 तेंदुआ है, लेकिन 2018 की तुलना में बिहार में तेंदुआ का संख्या कम हुआ है। क्लियर, याद रखिएगा। ओवरऑल में वृद्धि हुआ है, ओवरऑल में वृद्धि हुआ है, लेकिन बिहार में कम हुआ है, ठीक है ना। और अगर क्षेत्र में देखा जाए, जो चार क्षेत्र आपको बताएं, उसमें से शिवालिक पहाड़ियाँ व गंगा के मैदान में भी तेंदुआ की संख्या में कमी पाया गया है, बाकी अन्य जगह पर अधिकता पाया गया है, और ओवरऑल 7.95% का वृद्धि हुआ है। लेकिन बीपीएससी के हिसाब से, बिहार के परीक्षा के हिसाब से, याद रखिएगा, बिहार में कुल 86 तेंदुआ है और 2018 की तुलना में तेंदुआ की संख्या में कमी आया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला है। किसको मिला है? सेला सुरंग को, है ना, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिला है। ये आपका सेला सुरंग कहां से कहां तक है? तो असम में गुवाहाटी से लेकर अरुणाचल में तवांग तक, लिख दे रहे हैं आपको हम। असम में गुवाहाटी से लेकर अरुणाचल में तवांग तक, अरुणाचल के तवांग तक ये सड़क है। इससे क्या होगा, जो भारत का जो सेना है, अपना जितना भी गोला बारूद, तोप, हथियार असम से चाहे तो अरुणाचल प्रदेश तक तुरंत पहुंचा सकता है ना। इससे सैनिक सशक्तिकरण होगा, इस आपका जो सेला सुरंग बन जाने से, और समय का भी बहुत ज़्यादा बचत होगा। और इसका ये आपका सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, और इसका उद्घाटन
माननीय पीएम मोदी के द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया था। इतना फैक्ट अपना दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा सुरंग है। आगे देखते हैं हम लोग उपग्रह इंसैट थ्री डीएस का सफल प्रक्षेपण हुआ। ये उपग्रह है ना, सैटेलाइट है, इसका नाम है इंसैट थ्री डीएस। ये तीसरा जनरेशन का सैटेलाइट है, थ्री का यहाँ पर डिनोट कर रहा है थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। ये काम क्या करेगा भाई, ये मौसम का निगरानी करेगा। इसका प्रक्षेपण इसरो किया है, इसरो के द्वारा किया गया इसका प्रक्षेपण, देख लीजिए, इसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है। और जो प्रक्षेपण करने के लिए जो यान का उपयोग किया गया है उसका नाम है क्या है, तो जीएसएलवी एफ 14 यान का उपयोग किया गया है। इसी के द्वारा आपका इंसर्ट थ्री डीएस को प्रक्षेपित किया गया है ना। ये काम क्या करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका हाँ, पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियां आदि पर ये नजर रखेगा ये उपग्रह, ठीक है। और ये थर्ड जनरेशन का याद रखिएगा, दो जनरेशन पहले बन चुका है, ये थर्ड जनरेशन है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए ये कंप्लीटली देखिए, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि जितना पढ़ाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाएं, स्मार्ट स्टडी हो, है ना, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर ध्यान दिया जाए। देखते हैं मराठों के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है। मराठा का 12 किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया है। वह 12 किला कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। तो पहला किला है आपका सलहेर का किला, दूसरा है शिवनेरी का, तीसरा किला है लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, और तमिलनाडु में एक है जिंजगा किला। तो इसमें से सबका नाम ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तमिलनाडु का। इसका कारण है कि बाकी सब किला जो है महाराष्ट्र में है, लेकिन एक किला जो है वो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन फंसाने के लिए वो तमिलनाडु का वाला दे देगा, जिंजगा किला दे देगा और पूछ देगा कि ये किला कहाँ है मराठा से रिलेटेड। जनरली मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र मार देगा, लेकिन ये जिंजगा किला कहाँ है, तमिलनाडु में है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है और अन्य किला का भी नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि यूनेस्को इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। सबसे पहले आपका तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो 15 जनवरी 2024 को तेहरान में, यानी ईरान के तेहरान में, आपका जयशंकर साहब जो हम लोग का विदेश मंत्री है, उन्होंने घोषणा किया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। क्योंकि फारसी भाषा कहाँ से है, ईरान से संबंधित है, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने घोषणा किया ताकि ईरान के साथ संबंधों को और मजबूत किया जा सके। ईरान के संस्कृति को हम लोग बढ़ावा देते अपना देश में, ऐसा वो बताना चाहते थे। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को नौ शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये शास्त्रीय भाषा होता क्या है, देखिए, जिस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होता है उसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं। कितना, तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो किसी भाषा का, 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले अनुसूची आठ में 9 शास्त्रीय भाषा का शामिल किया गया है। कौन है, देखिए, सबसे पहले 2004 में तमिल को शामिल किया गया, 2004 में तमिल को शामिल किया गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को शामिल किया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है, 2013 में मलयालम भाषा को, और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है, है ना। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
तीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। पहला है पाली, दूसरा है फारसी, जिसका उल्लेख जयशंकर साहब है ना तेहरान में कर रहे थे, और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से अनुसूची 8 में कुल 9 शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, यह बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर होता क्या है? यह जनरली क्या करता है? विमानन के क्षेत्र में काम करता है, हवाई जहाज का निर्माण के क्षेत्र में काम करता है। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है, पीएम मोदी किए हैं, ठीक है ना। इसमें लगभग 1600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और काम हुआ है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या होता है? तो इसमें होता है कि आपका महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को विमानन निर्माण के क्षेत्र में है ना, हवाई जहाज के निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, और स्टेम को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेम कहने का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टेम को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टेम को बढ़ावा दिया जाएगा सुकन्या, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। और विमान निर्माण में, हवाई जहाज के निर्माण में महिलाओं का भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 का रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलता है? ये रिपोर्ट बोलता है कि नामांकन में वृद्धि हुआ है, उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? तो परसेंटेज देख लीजिए, 4.33 करोड़, यानी लगभग 28.4% वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखते हैं, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग नजर में रखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि। सभी श्रेणियां कहने का मतलब क्या हुआ? ST, SC, OBC, जनरल, महिला, सभी श्रेणियों में एडमिशन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ये कौन बता रहा है? तो AISHE रिपोर्ट बता रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, GER अनुपात में बढ़ोतरी। GER क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, लिख दे रहे हम, GER होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, इसमें भी वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। और देखिए 28.4% वृद्धि हो गया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, सिर्फ डेटा याद रखना है। PhD में भी नामांकन में भी वृद्धि हुआ, PhD के नामांकन में भी वृद्धि हुआ है, स्नातक उपाधि में भी हुआ है। STEM ये बड़ा चर्चा में रहता है, STEM, ये STEM का फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पूछ देगा, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, इसका फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम का, ठीक है ना, पूछ देगा फुल फॉर्म। तो स्टेम नामांकन में रुझान बढ़ा है, ऐसा AISHE का रिपोर्ट बता रहा है। वही बुनियादी ढांचे का उपलब्धता बढ़ा है, संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो बस ये नज़र में रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कितना, तो ये वाला डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, है ना, कि 4.33 करोड़ का वृद्धि हुआ है। आगे देखें, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है। जैसा कि हमेशा चर्चा में रहा है और परीक्षा में आएगा ही आएगा, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है, जिसका ऑफिशियल नेम, जिसका औपचारिक या आधिकारिक तौर पर जिसको अटल सेतु नन्हा सेवा सील लिंक कहा जाता है ना, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ये काम क्या करता है भाई?
तो ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ठीक है ना, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और लगभग इसका लंबाई 22 किलोमीटर तक का है, ठीक है ना। अगर और देखा जाए और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखिए तो ये दक्षिणी मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद उत्तर तालुका में ननवा सेवा तक पहुँचता, यानी कि ये सेवरी से लेकर ननवा सेवा तक पहुँचता, कहाँ तक, सेवरी से लेकर ननवा सेवा तक ये अटल सेतु जाता है, अटल सेतु, क्लियर। चलिए अधिक से अधिक देखना है तो देख लीजिए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है, बस इतना आपको नजर में रखना है, ठीक है। आगे देखते हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया है ना। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। इसमें 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है और अगर देखा जाए तो शहरों में जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है उस शहर में नंबर 1 पे कौन है स्वच्छता के मामले में, तो यह इंदौर, इंदौर यह 7 वर्षों से लगातार नंबर 1 पे रहा है स्वच्छता के मामले में, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी नंबर 1 पर है, यानी इस बार नंबर 1 पर कौन है, तो दो शहर है, एक इंदौर दूसरा सूरत, ठीक है। लेकिन इंदौर 7 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर रहा स्वच्छता के मामले में, और देख लीजिए 1 लाख से अधिक संख्या वाला, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला ये शहर में इसका नाम इंगित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए 1 लाख से कम मतलब जिस शहर का जनसंख्या 1 लाख से कम है उसमें नंबर 1 पे कौन है स्वच्छता के मामले में, तो सांसवड़ महाराष्ट्र का है, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, हो सकता प्रश्न फंसा दे, 1 लाख से अधिक जनसंख्या 1 लाख से कम जनसंख्या करके क्वेश्चन दे दे और हमेशा सूरत या फिर इंदौर रटे रहिएगा, वही मार के आ जाइएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख से कम जनसंख्या में सांसवड़, क्लियर, इसको नजर में रखना है, क्वेश्चन फंसाने का कोशिश करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने का कोशिश करता है, अब परीक्षा के बाद लगता है हम ठीक से पढ़े नहीं, क्वेश्चन फंसा ले जाता है। देखिए शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी, स्वच्छ छावनी यानी कैंटोनमेंट का बात कर रहा है, तो उसमें महो कैंट को नंबर 1 स्वच्छता के मामले में मिला है। 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर यानी गंगा के शहर, गंगा के किनारे जो शहर का बसावट हुआ है उसमें नंबर 1 पे कौन है स्वच्छता के मामले में, तो वाराणसी है, क्लियर, वाराणसी। अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन है, महाराष्ट्र है, राज्य के मामले में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर सफाई कर्मचारी का बात करते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण में बताता है कि चंडीगढ़ का जो सफाई कर्मचारी लोग है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है ना, सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में इसको पुरस्कार दिया गया है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन, एक गीत का विमोचन किया गया जिसका नाम है, जिसका लाइन है गीत का, नया संकल्प नया प्रकल्प, पूछ सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए एक नया गीत का आरंभ किया गया है, गीत का लाइन क्या है, शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत का पहला एक्सरे पॉलीरिमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, भारत का पहला है ये, पहला, भारत का पहला, वैसे भी जो पहला होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला एक्सरे पॉलीरिमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को, और लॉन्च करने के लिए जो यान का उपयोग किया गया है उस यान का नाम है एक्सपोसैट, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोसैट, जो हम लोग एक्सरे पोलोरीमीटर उपग्रह बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म एक्सपोसैट, और जो यान का नाम यान से किया गया प्रक्षेपित किया गया उसका नाम है PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया है। ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा कि अंतरिक्ष में एक्स रे जो किरण होता है, एक्स किरण होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उसका ध्रुवीकरण होता है, यानी उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और कैसे वो फिर जाके ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, इसका जांच पड़ताल करेगा, ठीक है, क्या करेगा, तो एक्स रे किरण कैसे उत्पत्ति होता है,
कैसे उसका मूवमेंट होता है और कैसे फिर जाकर वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, वो एक्सपोसाइट जांच करके आपको बताएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वेटलैंड आर्द्र भूमि सीटी परमानन, जो वेटलैंद आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि सीटी परमानन है, ये जो काम किया है ये आपका केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें कुछ शहरों का नाम दिया गया है जो वेटलैंड के लिए परमानन के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन किसको शामिल किया गया केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो किया गया इंदौर को, भोपाल शहर को और राजस्थान का उदयपुर शहर को किया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इंदौर, भोपाल शहर और उदयपुर शहर को किया गया है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि सिटी परमानन के लिए। ठीक है, ये देखिए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनना ही बनना यहाँ से है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इंदौर, भोपाल शहर और राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। अगर हम लोग देखते हैं तो इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में आपका शिरपुर झील को शामिल किया गया है। भोपाल का अगर बात करें, भोपाल का तो भोपाल में भोज आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है और उदयपुर शहर के समीप पांच आर्द्र भूमि, इसमें एक पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है और दूध मलाई मत समझ लीजिएगा, ये दूध तलाई है। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया है वेटलैंड आर्द्र भूमि सिटी परमानन के अंतर्गत। करने वाला कौन है, तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम चलाए हुए है अमृत धरोहर पहल, एकदम इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वेटलैंड के लिए चलाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता, त्रिपक्षीय बोल रहा है, यानी ये जो समझौता हुआ है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ये तीन पक्षों में हुआ है। ये तीन पक्ष कौन कौन है भाई, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा कौन है, केंद्र सरकार। ठीक है ना, तीन पक्षों में ये समझौता हुआ है। इससे क्या होगा, तो इससे होगा क्या कि आपका इस समझौते से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 साल तक लाखों लोगों का पेयजल सुविधा मिलेगा। यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को सिंचाई सुविधा मिलेगा, पीने का जल उपलब्धता मिलेगा। ठीक है ना, इस समझौता में देखिए तो 75,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। कितना, 75,000 करोड़ की राशि खर्च होगी, जिसमें से 90% केंद्र सरकार और इसका 10% ये दोनों मिलके करेगा। यानी 75,000 करोड़ का जो राशि होगा उसमें से 90% केंद्र सरकार वहन करेगा, 10% दोनों राज्य मिलके वहन करेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रखना है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पेच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हो गया। ये डार्क स्काई पार्क क्या होता है, ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। डार्क स्काई पार्क का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से अंधेरा रहे और कृत्रिम रोशनी का कम से कम उपयोग करें। यानी जब रात होता है तो उस रात में, उस एरिया में अंधेरा बनाए रखना है ना, अंधेरा बनाए रखना है, जो प्राकृतिक अंधेरा है वो बनाए रखना है और कम से कम कृत्रिम रोशनी का उपयोग करना है। उसको कहते हैं क्या, डार्क स्काई पार्क। मतलब इतना अंधेरा रहे ना, डार्क स्काई मतलब काला स्काई एकदम रहेगा, इतना अंधेरा रहेगा कि एकदम चमचम चमचम तारा चमकता हुआ दिखाई दे, है ना, तो वही है। तो पेच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो आप जान लीजिए पेच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया। डार्क स्काई का मतलब क्या होता है आप समझ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज और देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेच
टाइगर रिजर्व दो राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पेंच का आप एरिया भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ये स्थित है, दो राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ये स्थित है, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया, IUCN के द्वारा, ठीक है ना, यानी इसको कहते फुल फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में पहली बार हिमालयन वुल्फ को शामिल कर दिया गया है। हिमालयन वुल्फ को पूछ सकता है कि रेड लिस्ट में इस बार किसको जारी किया गया है, तो हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया है, इसको असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है हिमालयन वुल्फ को। तो ये हिमालयन वुल्फ कहाँ पाया जाता है, इसका एरिया भी, इसका लोकेशन भी देख लेते हैं। तो उत्तर भारत में या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ, तो आपका ये लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसे तिब्बती भेड़िया के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बती भेड़िया के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा, क्या है, तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा है, कौन, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये कब किया गया है, तो 3 फरवरी 2024 को ये उड़ीसा के संबलपुर में इस तालबीरा पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया है, ठीक है ना। इससे कुल मिला के 3x800 यानी 2400 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। और तालबीरा थर्मल पावर परियोजना में लगभग 27,000 करोड़ रुपया से अधिक राशि लगेगा। तो याद रखना है कि तालबीरा पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में लग रहा है, उड़ीसा के संबलपुर इलाके में लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीटी का दृष्टिकोण से इन सब पॉइंट को नजर में रख रहना है, विशेषकर उन सब पॉइंट को जो ब्लैक से किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाटी संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के सांगली इलाका में अटपाटी संरक्षण रिजर्व को बनाने का घोषणा किया है, ठीक है ना। इसको अटपाटी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के सांगली में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, है ना। तो ये अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ किया है, तो आपका विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर का 206 फीट का ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाया गया है। याद रखना, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो YS जगमोहन रेड्डी थे। इस बात को याद रखना है कि सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ हुआ है, तो विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में स्थापित किया गया है। और जो ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसको बनाने वाले कौन है, राम सुतार, नाम क्या है, तो इनका नाम है राम सुतार। मूर्ति बनाने वाला का नाम है राम सुतार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र जो भी अगर पहला हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र ये आपका केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। तो ग्राफीन होता क्या है, तो ग्राफीन के बारे में जान जाइए। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, और जो कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। हो सकता है एग्जाम में ग्राफीन के बारे में पूछ दे कि ग्राफीन होता क्या है, और ऑप्शन में यही सब दे देगा, ये पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में रहता है, पहला ऑप्शन, दूसरा जो एक कार्बन का अपरूप है, तीसरा ऑप्शन यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसमें से कौन, है ना। तो ग्राफीन का पहला केंद्र स्थापित हुआ है, तो ग्राफीन के बारे में आप जानकारी रखिएगा। और कहाँ स्थापित हुआ है, तो केरल के त्रिशूर में स्थापित हुआ है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए
भारत और इटली के बीच में प्रवासन यानी माइग्रेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, भारत और इटली के बीच में प्रवासन और आवाजाही समझौता को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी भारत और इटली के बीच में जो प्रवासन समझौता है उसका मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा मिल गया। इससे क्या फायदा होगा कि भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कामगार हैं, जितने भी पेशेवर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, है ना, सभी के सभी इटली आराम से जा सकते हैं। और इटली से विद्यार्थी, पेशेवर, बिजनेसमैन और भी जो हो भारत आना चाहे तो अभी सुविधाजनक तरीका से आ सकते हैं। जितना भी हडल्स होता है, जितना भी बाधा होता है उसको कम से कम कर दिया जाता है अगर ये समझौता लागू हो जाता है। तो भारत और इटली के बीच में समझौता हो चुका है, ठीक है ना। इससे क्या होगा तो आप देख लीजिए, वही बात है कि इससे होगा कि विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी और युवा पेशेवरों की आवाजाही में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये समझौता भारत और इटली के बीच में हो चुका है। चलिए आगे देखते हम लोग। अच्छा समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्ट में जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर देख लिए। राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा जून से लेकर, ये जनवरी से लेकर जून तक का राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिए हैं दो पार्ट में। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पार्ट वन पार्ट टू यानी जितना भी राष्ट्रीय पढ़ा चुके हैं, 6 महीना का पीडीएफ चाहिए, राष्ट्रीय वाला जिसको अभी क्लास लिए हैं जो आपको दिखा रहे हैं, इसका पीडीएफ चाहिए, आप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 7903778527 7903778527 पर इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए हमको, हम पीडीएफ तुरंत सेंड कर देंगे, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।